व्यूअर्स, आज मैं जो चीज़ आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मेहरबानी करके आपने वीडियो के ऊपर रहना है और आपने ये चीज़ अपनी आंखों से देखनी है कि मैं आज आपको क्या दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आपको हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करता हूँ कि खुदा रा, जो हमारे अहलो अयाल हम में नहीं हैं, कब्रों में जाकर सोए हुए हैं, जाकर कभी उनका हाल भी देख लिया करें। हाल उनका क्या देखेंगे, उनकी कब्रों को जाकर देख लिया करें। अंदर के हाल हवाल तो खुदा की ज़ात जानती है, बाकी व्यूअर्स फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देखें। व्यूअर्स, ये कब्रिस्तान है और आपका मेरा ईमान है कि हमने एक दिन इस जगह पर आना है, यही हमारी आखिरी जगह है। आज व्यूअर्स, अल्लाह की ज़ात जानती है, बोला नहीं जाता, ये हालात हैं कब्रिस्तान के। बारिशों की वजह से गड्ढे पड़ चुके हैं, पता नहीं व्यूअर्स कब आपका मेरा वक्त ख़त्म होता है। तो बराए मेहरबानी आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही गुजारिश करनी थी कि खुदारा वक्तन फवक्तन अपने रिश्तेदार अहलो अयाल जो हम में नहीं हैं, जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, उनकी कब्रों पर फातिया भी दे लिया करो और चक्कर भी लगा लिया करो। चक्कर लगाने से आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं गड्ढे हैं, कहीं कब्रें ख़राब हैं, तो छोटी सी कोशिश से आप उनकी मरम्मती कर दिया करें। आज मैं आया था अपने अहलो अयाल के जो हम में नहीं हैं, हमारे बड़े दादा नाना रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं, उनकी कब्रों के ऊपर, क्योंकि हालिया बारिशों के दौरान कब्रें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देखें, ये एक कब्र है मुकम्मल तौर पर नीचे बैठ गई है। तो अगर हम और आप गौर करेंगे तो हमारे गौर करने से इनकी मरम्मती हो सकती है। व्यूअर्स, अल्लाह की ज़ात जानती है, मुझसे आज बोला नहीं जाता कि मैं क्या बोलूं, बस यही है, डर सा लगा हुआ है कि आखिरी आरामगाह है, एक दिन हमने भी यहाँ आकर सोना है और अच्छे आमाल होंगे तो अच्छे आगे हिसाब किताब होगा, वगरना अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ये देखें व्यूअर्स, हमसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शाहकार, बड़े बड़े धन दौलत वाले यहाँ आकर सोए हुए हैं। तो खुदा के लिए मैं आपसे बार बार यही इल्तजा कर रहा हूँ कि वक्तन फवक्तन हर जुमे के दिन अपने वालदैन, अपने जो भी आपके अहलो याल इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कब्रों पर फातिया दे लिया करें, अल्लाह आपको जजाय खैर देगा। और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश दूसरी ये है कि आप ये गड्ढे भी देख रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग बारिशों के दौरान यहाँ चक्कर लगा लिया करें और अपने जो अहयाल फौत हो गए हैं उनकी कब्रों को देख लिया करें कि वो किस हाल में हैं, ख़राब तो नहीं हो गई, कहीं बैठ तो नहीं गई, कहीं टूट तो नहीं गई। व्यूअर्स, अल्लाह जानता है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट आज करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि खुदारा गौर करें, तवज्जो करें, अल्लाह आपको इसका जायज़ा खैर देगा और इंशाल्लाह आपकी इस छोटी सी कोशिश से सबके कब्रों के हालात अल्लाह अपनी रहमत से ठीक कर देंगे। बस आज मुझसे यही अल्फाज टूटे फूटे बोल रहा हूँ, वगरना बोला नहीं जाता जो मैंने आज आकर यहाँ हालात देखा। ये देखें मेरे भाइयों, ऐसे लोग भी यहाँ सोए हुए हैं जिनकी कब्रों के निशान तक नहीं हैं, जबकि इस दुनिया में उनका एक बड़ा नाम हुआ करता था। तो सब लोग दुआ करें कि अल्लाह हमें ईमान के साथ ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। ये देखें आपके सामने एक मुकम्मल कब्र है जो ज़मीन बोस हो गई है, बारिश की वजह से बैठ गई है, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए।